नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बंगाबंधु 109 डिग्री ईस्ट के चैनल देखेंगे। हमें बंगाबंधु 109 डिग्री ईस्ट पर कितने चैनल वर्तमान में मिलते हैं और उसमें से टोटल हम कितने चैनल फ्री टू एयर देख पाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने डिश एंटीना को 93 डिग्री ईस्ट फ्री डिश से 109 डिग्री ईस्ट बंगाबंधु पर सेट करके रखा हुआ है। इसका जो सिग्नल है आपको बड़ी ही आसानी से 2 फीट डिश एंटीना पर रिसीव हो जाता है। और इसका जो LNB का पोजीशन है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इसका LNB का पोजीशन किस प्रकार से रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपको बंगाबंधु सेट करने के लिए आपका LNB का एलिवेशन आपको रखना पड़ेगा। और अब हम इसे कंप्लीट ऑटो स्कैन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी चैनल हैं, तो दोस्तों हम इसे डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे इंस्टॉलेशन पर, और सैटेलाइट लिस्ट में जाने के बाद हम कोई भी क्यू बैंड का एक सैटेलाइट सेलेक्ट करके ऑटो स्कैन करेंगे। और अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑटो स्कैन होना शुरू हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं हमें बंगाबंधु के करीब 4 चैनल रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 109 डिग्री ईस्ट के जो चैनल हैं, तो ऑटो स्कैन हो चुके हैं। और अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पर जितने भी चैनल हैं आपको बंगला भाषा पर मिलेंगे। इस पर करीब हमें केवल 4 चैनल ही फ्री टू एयर देखने को मिल रहे हैं, जो कि सभी चैनल बंगला भाषा पर है। आप देख सकते हैं BTV वर्ल्ड, BTV नेशनल, ये सभी बांग्लादेश के चैनल हैं। अधिकांश आपको इस पर इंडियन चैनल मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये सभी के सभी स्क्रैम्बल मोड पर हैं, ये नहीं चल रहे हैं। मैं आपको इसका सिग्नल क्वालिटी दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं इसका सिग्नल क्वालिटी हमें बेहतरीन मिल रहा है। 91% के लगभग सिग्नल दोस्तों हमें मिल रहा है। यह बांग्लादेश का एक पैड DTH सर्विस है, जिसे आकाश DTH कहते हैं। इस पर एक होम चैनल है आकाश प्लस के नाम से, जिसे आप फ्री टू एयर देख सकते हैं। तो टोटल आपको इस सेटेलाइट पर, जो कि 109 डिग्री ईस्ट पर चलता है बंगाबंधु, इस पर टोटल दोस्तों अगर आप बात करें तो आपको केवल 5 चैनल ही देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक होम चैनल है और साथ साथ दोस्तों यह जो आपके 4 चैनल हैं बांग्ला भाषा पर, आप इसे देख सकते हैं।